कम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे दावा स्टाइल मसाला भिंडी, जो कि बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ली हैं भिंडियाँ हमने धो कर के साफ कर ली हैं। इनके हम डंठल काटेंगे इस तरीके से और दो पीसेस करेंगे। छोटी हो तो उसका एक ही कर दो इस तरीके से। इसमें कट भी लगा सकती हो, इस तरीके से आप कट लगाना चाहो तो आप इस तरीके से कट लगा दो ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। इस तरीके से हमें सारी भिंडियों को कट करके रखना है इसी तरीके से। ये भिंडी इतनी अच्छी लगती है खाने में, मसाला भिंडी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आप इसी तरीके से बनाओगे ना तो भिंडी बहुत अच्छी बनेगी, तैयार होती है। इसी तरीके से हमें सारी भिंडियों को कट करना है। लिया है, अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा नमक, एक पिंच हल्दी, और थोड़ा सा बेसन। इन सबसे क्या है, जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो इनसे एकदम क्रंची क्रंची वाली भिंडियाँ हो जाएंगी। इन सबको करेंगे हम मिक्स। मिक्स कर लिया है, इनको रख देंगे साइड में। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने एक कटोरी ले ली है, उसमें डालेंगे एक टीस्पून चम्मच बेसन। बेसन से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसको करेंगे हम मिक्स। इसको रख देंगे हम साइड में। गैस पर रख दी हमने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें, आपको जैसा भी ऑयल पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऑयल हो चुका है गर्म, इसमें डालेंगे हम भिंडी। भिंडियों को हमें चलाते चलाते ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है, मैं एकदम क्रंची क्रंची हो जाए अगर तक इनको फ्राई करना है। और हमारी जब क्रंची क्रंची भिंडी हो जाएंगी ना तो हमारी ये ग्रेवी में डाल के बहुत अच्छी लगेंगी खाने में। इसी तरह से हमें इनको फ्राई करना है।
हमारी भिंडी 90% ड्राई हो चुकी है, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी में डालेंगे अब हम जीरा। एक पिंच डालेंगे हींग। अब डालेंगे इसमें हमने ग्रेवी की हुई लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट और हरी मिर्च जिसको हमने छोटा छोटा काट करके रख दिया था। अब इनको हमें ब्राउन होने तक पकाना है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपसे पड़ोसी भी मांग मांग के खाएंगे। प्याज हमारी हल्का ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम जो हमने मसाला बना के तैयार रखा था ना, वो वाला, ये वाला मसाला। मसाले को हमें 2 मिनट पकाना है। मसाला हमारा पक चुका है, मसालों ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है। अब डालेंगे हम टमाटर की प्योरी। एक टमाटर लिया था उसकी प्योरी बनाई थी हमें, उसको और पकाना है हमें। अब डालेंगे इसमें नमक। याद रखना पहले भी हमने नमक डाला है तो नमक हमें कम ही डालना है। अब इसमें करेंगे हम 1 कटोरी दही ऐड। दही इसको हमें चलाते चलाते ही पकाना है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चलाते चलाते पकाना है। दही से ग्रेवी हमारी इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। इसको चलाते चलाते हमें बॉयल आने तक पकाना है। बॉयल आ चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो पूरी देखा करें। बॉयल आ चुकी है, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब डालेंगे हम भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी उनको। अब हमें इनको 2 मिनट पकाना है भिंडियों को। दो मिनट और पकाना है इनको हमें। हमारी सब्जी बनके रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा गरम मसाला। और हरे धनिया। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बताना ज़रूर।